plus 368 plus 35 plus 69 plus 8. 605. Correct. 9 plus 63 plus 8 plus 54 plus 21 plus 6 plus 8 plus 9 plus 7 plus 2. एक अभिभावक अपने बच्चों से क्या चाहता है कि वो एक बेहतर विद्यार्थी बने, और बेहतर विद्यार्थी कैसे बने, इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में पढ़ाई और परीक्षा के दौरान वो सबसे बेहतरीन छात्रों में से एक हो। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, इसके लिए हर अभिभावक हर संभव प्रयास करता है, जिसमें अभिभावक और विद्यालय के सामूहिक प्रयास के द्वारा कोई भी विद्यार्थी बेहतरीन परीक्षा परिणाम प्राप्त करता है। और कुछ ऐसे ही कर रहा है बी एपिक। अब पहले बी एपिक को समझने की जरूरत है। दरअसल में बी एपिक एक ऐसी एकेडमी है, जो एकेडमी जो बच्चों में सर्वांगीण विकास की तैयारी कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में शारीरिक से लेकर के और शैक्षणिक स्तर तक उसका कैसे विकास हो सके। और इसी क्रम में आज बी एपिक में जो देखने को मिला वो वाकई लाजवाब था। और ये भी सच है कि शायद कुछ ही लोग यकीन करें, लेकिन यकीन करना ही होगा क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अब आखिर बी एपिक सबसे बेहतर कैसे है, ये समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने बी एपिक के एवेकस क्लास का दौरा किया। एवेकस का मतलब ये हुआ कि बच्चे लेंदी से लेंदी यानी कठिन से कठिन मैथ्स के क्वेश्चन को, गणित के सवालों को आसानी से सॉल्व कर ले, जिसमें अर्थमेटिक यानी अंक गणितों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आसान शब्दों में समझे तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस एवेकस के माध्यम से लंबे चौड़े जोड़ घटाओ गुना भाग भी बेहद आसानी से किया जा सकता है, और ये कैमरे के सामने खूब देखने को मिला। जब बी एपिक में पढ़ने वाले बच्चों से उसकी मैम ने तमाम से सवाल किए तो उन सवालों के जवाब बच्चे कुछ यूं देते, शायद जितनी देर में आप कैलकुलेटर से उस सवाल का जवाब भी नहीं ढूंढ सकते। और इसे देखकर हैरानी नहीं हुई, इसे देखकर एहसास हुआ कि बी एपिक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किस स्तर पे काम करता है। 579 plus 36 plus 167 plus 8 plus 63. 548. Correct. 548 plus 22 plus 36 plus 5 plus 194. 805. Correct. अब समझना ये भी होगा कि एवेकस की पढ़ाई कैसे की जाती है। इस मामले में विद्यार्थी और अध्यापक के बीच बने हुए बॉन्ड को बेहद आसानी से समझा जा सकता है। कैसे कुछ टेक्निकल पॉइंट के माध्यम से या कैसे कुछ टेक्निकल दृष्टिकोण को समझ करके मैथ के लंबे लंबे सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों को लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम लगातार उन छात्र छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। मैथ्स को करने में आसानी होती है इसमें। कितना टाइम कैसे बचता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं, टाइम कितना बचता होगा? बहुत बच जाता है टाइम औरों के मुकाबले जो अब नहीं सीखते हैं। अच्छा, जब एवेकस आप सीखते हैं और लंबे कैलकुलेशन आता होगा तो उस कैलकुलेशन को करने के बाद जब टाइम बचता होगा तो फीलिंग कैसी आती है और क्या सोच के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? बहुत अच्छा लगता है वो, ये हमारा टारगेट है उसको वो करके। आपको लगता है कि एवेकस में आप अगर ए स्टेज पे हैं, बी स्टेज पे हैं, सी स्टेज पे हैं, कितना सीख चुके हैं एवेकस, कितना बाकी है? अब तो थोड़ा ही बाकी है। बोले मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जब मैं पहले मैथ सोल्व करती थी इट टेक अबाउट 1 आवर, बट नाउ आई एम एबल टू डू इट इन 15 मिनट्स अराउंड। कितना जरूरी है एवेकस, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है और मैथ जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एवेकस उनके लिए कितना जरूरी है? मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमारा बहुत टाइम सेव कर सकता है अगर हम उसे जल्दी करें, तो एवेकस हेल्प्स इन दैट। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली ब्रेकिंग की टीम की नज़र पड़ी बीएपी के फाउंडर दीपक आनंद पर, और उनसे भी जानने की कोशिश की गई कि बीएपी की शुरुआत कैसे की गई और बीएपी को लेकर के सोच क्या है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किस कदर काम करता है बीएपी। बीएपिक हम लोग का इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बड़ी सोच के साथ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, बच्चों में जो है कंप्लीट सर्वांगीण विकास जो हम कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए,
उसको देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका अगर हम लोग सही इनिशिएटिव लेने से पहले जो हम लोगों ने सोचा था कि बच्चा जो है महान बनना चाहिए, एपिक बनना चाहिए, तो बी एपिक, वी वांट कि हर बच्चा बी एपिक बने। एक हिंदी फिल्म से हम लोगों ने सुना था, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसी को सोचते हुए कि क्योंकि जो बच्चे के अंदर है कंप्लीट मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम लोग का एक एक वर्ड का मीनिंग है, बी फॉर ब्रेन, ई फॉर इमोशनल, फी फॉर पी फॉर फिजिकल, आई फॉर इनोवेटिव एंड सी फॉर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सभी तरह की डेवलपमेंट के लिए हम लोग अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें ब्रेन में अबकस, चेस क्लासेस हम लोग के पास होता है, फिजिकल में स्किल। आज मैं अवेकस को देख रहा था, अभी अवेकस को कैसे आप, क्या है अवेकस, कितना फायदेमंद है और किस तरह से क्लासेस रन होता है? क्लासेस इसकी जो है बच्चों को वन टू वन एक तरीके से हम लोग सिखाते हैं कि जो ग्रुप क्लासेस होती हैं तो उसमें बहुत छोटे ग्रुप्स होते हैं और बच्चों को जो है इंडिविजुअली अटेंशन मिल पाता है, फोकस डेवलपमेंट होता है बच्चों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है जो लिसनिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर कमज़ोर होती है। अबकस सीखने से लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है क्योंकि बच्चा फोकस करके टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन को सुनने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हुए जो है उसको सुनता है, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तो ब्रेन जो है वर्क नहीं सीखेगा, तभी उसी हिसाब से। तो इसमें अवेकस जो है वो मैथ को लेकर के, चूंकि मैथ के कैलकुलेशन को मैं जब बच्चों से बात कर रहा था, मैथ के कैलकुलेशन की चर्चा हो रही थी जी, तो कैलकुलेशन लेंदी जो होता है वो अमूमन 9, 10 या 8 तक होता है। हाँ जी, शुरू से बच्चों को कैसे इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका कितना फायदा होगा? एग्जैक्टली ये अबकस जो है वो 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए सीखा जा सकता है और यही बच्चे ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। और ये जो होता है मेन क्या पर्पस है इसका कि ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स है ये, इसमें मैथमेटिक्स को अंकों का जरूर प्रयोग होता है लेकिन जो मेन फोकस रहता है हमारा कि बच्चे की ब्रेन पूरा कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कि उसकी विजुअल स्किल्स डेवलप हो, मेमोरी स्किल्स डेवलपमेंट हो, फोकस उसका डेवलप करे, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर बच्चा डेवलप कर जाता है तो वो कंप्लीट जो है हर सब्जेक्ट में अच्छा कर पाता है। उसका मेन क्या होता है, बच्चे जो है कहाँ क्या करते हैं कि उसको कोई भी चीज़ को अगर क्लास में सब्जेक्ट है तो उसको जब तक टीचर को सुनेंगे नहीं, उसको फोकस नहीं करेंगे, तो उसकी जो है जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं, तो वो जो है अच्छे से समझ नहीं पाते और अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। जैसे ही बच्चे अबकस सीख लेते हैं तो उनका कंप्लीट ब्रेन काम करता है और वो कंप्लीट हर सब्जेक्ट में अच्छा बढ़ते हुए चलते हैं और हर सब्जेक्ट में वो डेवलप कर पाते हैं। शायद ही कोई ऐसा अभिभावक होगा जो अपने बच्चों में ये गुण देखना पसंद नहीं करेगा कि उसके बच्चे किस तरह से मैथ्स के सवाल सॉल्व कर लें। और अगर यह सुविधा नजफगढ़ में नटखट प्ले स्कूल के बीएपिक में उपलब्ध है तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।